नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। मुंबई की लोकल ट्रेन में सीट को लेकर महिला यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा। पुलिस ने कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन में एक सीट को लेकर हुई बहस में बुधवार रात एक महिला पुलिसकर्मी और एक अन्य यात्री घायल हो गए। घटना रात करीब 8 बजे पनवेल जाने वाली लोकल ट्रेन में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा एक महिला और उसकी पोती जो थाने से लोकल में सवार हुई थी और एक अन्य महिला जिसने कोपर खेड़ने में ट्रेन पकड़ी थी एक सीट खाली होने का इंतजार कर रही थी। दुर्गे स्टेशन पर एक सीट खाली हो गई जिसके बाद दादी ने अपनी पोती को सीट दिलवाने का प्रयास किया। हालांकि उसी समय दूसरी महिला ने भी सीट पर बैठने की कोशिश की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और बाद में उनका झगड़ा हो गया जिसमें अन्य यात्रियों और एक महिला पुलिसकर्मी के सिर पर चोटें आईं। इस मामले में दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले में वाशी रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एस कटारे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीट को लेकर शुरू हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने मारपीट की। इस मारपीट में एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई है, उसका इलाज करवाया गया है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।